50,000 से 80,000 की रेंज में आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं लेना है, आपको थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप लेना है, कंटेंट क्रिएशन वाला लैपटॉप लेना है, ऐसा लैपटॉप लेना है जिसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, बैटरी बैकअप बढ़िया मिले और गेमिंग आपको करनी ही नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको 50,000 से नीचे के लैपटॉप देखने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो 50,000 की रेंज का लैपटॉप होगा वो नहीं इंक्लूड करूँगा, मैं इसमें यहाँ पे 50,000 से ऊपर के लैपटॉप की शुरुआत करूँगा। 50 से नीचे के लैपटॉप या 50 के लैपटॉप मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके एंड पार्ट्स टाइम स्टैम्प्स मैंने सब में दे रखे हैं, आप 50,000 वाला सेक्शन देख लीजिएगा, आपको जो है बढ़िया लैपटॉप आपके लिए वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको 50 से ऊपर के देखने हैं तो ये इस वीडियो में देखिए। देखिए ये वीडियो सूटेबल है हर उस इंसान के लिए, जो कोई स्टूडेंट है उसको ऑफिस यूज़ के लिए लैपटॉप लेना है, बिजनेस यूज़ के लिए लैपटॉप लेना है, कोडर हैं आप, मॉडरेट कोडिंग करना चाहते हैं, एडवांस्ड यूज़र हैं, आपको फुल HD 4K मल्टी लेयर की वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, कैजुअल या फिर प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है आपको, या फिर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, या फिर 4K रील्स को आपको एडिट करना है, या फिर आर्किटेक्ट वाले सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको करनी है, 3D रेंडरिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो उनके लिए ये लैपटॉप्स हैं। हालांकि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी 3D रेंडरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स वाले काम करने हैं, तो फिर आप लीजिए गेमिंग लैपटॉप, अदरवाइज़ आप इन लैपटॉप पे स्टिक रहिए, अभी हम आपको रिकमेंड करना शुरू करते हैं। चलिए, तो आप सभी को पता है कि अभी चल रही है अमेज़न फ्लिपकार्ट पे सेल, साल की सबसे बड़ी सेल, और यहाँ पर जो अमेज़न की सेल का नाम है वो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सेल चलेगी दिवाली तक, एंड फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो चलेगी 6 तारीख तक, और उसके बाद भी दिवाली तक कुछ ना कुछ सेल रहेगी, नाम बस चेंज हो जाएगा, इतना आप याद रखना। और जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल है वो आपकी दिवाली तक कहीं ना कहीं चलती रहती है, बट हाँ जितनी जल्दी लैपटॉप परचेस करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए आप ध्यान से समझिए कि आपको अगर आप अमेज़न से शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको SBI क्रेडिट कार्ड पे ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं तो HDFC वाले कार्ड पे ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ये बात आप याद रखना। और अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ मैंने अच्छे अच्छे कार्ड्स के लिंक दे रखे हैं SBI एंड HDFC, तो आप जो है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ अच्छे अच्छे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी आपको दे रखे हैं मैंने वहाँ पे, वो भी आप जो है एनालाइज करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब अप्लाई कर लीजिएगा, वो ज़रूरी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि अलग अलग सेल में, जैसे कि अभी तो ये वाली सेलें चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सेलें अगर आएंगी तो उनके अंदर जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट हैं, अलग अलग बैंक के साथ में बातचीत करके अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, कभी कोटक पर, कभी एक्सिस पर ज़्यादा, कभी किसी पर, कभी किसी पर, तो 2-4 कार्ड्स तो होने चाहिए आपके पास। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत तेज़ी से रील्स को शेयर करता हूँ, यूट्यूब पर तो इतना फास्ट शेयर किया नहीं जा सकता। सपोज़ करिए कोई बढ़िया डील है जिसपे 4,000-5,000-6,000-10,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है किसी लैपटॉप पे, यूट्यूब पे शेयर करूँगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, वीडियो बनाना पड़ेगा, तो पूरा सारा सेटअप के साथ में करना पड़ेगा, लेकिन टेलीग्राम पे फटाक से मैं पुश कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि भैया ये लैपटॉप इतने का था, इतने का मिल रहा है, अभी ग्रैब कर लो, मिल जाएगा आपको, तो ये वाली चीज़ है। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखिए, क्योंकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब ये तीनों मिलके ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तभी आप पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे हमारे चैनल से। अब मैं आपको सारी डील्स बताता हूँ, सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप बताता हूँ, मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। ये वाला लैपटॉप मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 53,000 रुपये की रेंज में, 53,000 के हिसाब से ये i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है, यू सीरीज़ का प्रोसेसर है, 16 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD इसके अंदर आपको मिलती है, उस हिसाब से OLED पैनल है, सबसे बड़ी बात ये है इस लैपटॉप के अंदर फुल HD OLED पैनल है, OLED पैनल बहुत शानदार पैनल होते हैं, बहुत अच्छा दिखता है इन लैपटॉप्स में आपको, 8 GB की ऑनबोर्ड रैम है, 8 GB की स्टिक इसके अंदर लगी हुई है 3200 MHz वाली। अभी तक तो ये डील काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ ASUS की वेबसाइट पर ले आया, अब कभी कभी देखिए पेज के अंदर इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग होती है, तो हम तो कोशिश करते हैं कि आपको सही लैपटॉप ही सजेस्ट करें। अब यहाँ देखिए OLED मेंशन है ना, ये गलत है, ASUS की वेबसाइट पे देखिए सेम मॉडल नंबर, यहाँ पे देखिए कहीं भी OLED पैनल नहीं है इसके अंदर, ये सादा वाला ही पैनल है, और ये 60Hz वाला ही पैनल, सादा वाला पैनल 45% NDSC वाला है। स्पेसिफिकेशन तो अच्छी है लैपटॉप की, स्टिल रिकमेंडेड है बिना OLED के बाद भी, तो अगर लेना है आप ले सकते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट OLED पैनल नहीं है ये बात याद रखना, और यहाँ इन्फॉर्मेशन में जो OLED है वो गलत है। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कितने का ये पड़ जाएगा, ये जो है SBI क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा 46,240 रुपये में, EMI पे लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 46,000 रुपये में, तो वो जो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट होता है वो एज अ
इंटरेस्ट जो है वहाँ पे काउंट हो जाता है, और डिस्काउंट तो अभी आपको इंस्टेंट इतना मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट आपको अपने पास से पे करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट जो है पे करते हैं, तो फिर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 6,750 रुपये का डिस्काउंट है। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने यहाँ पे चूज़ किया है एसस का वीवोबुक 16X। 16X का मतलब ये है कि ये 16 इंच के डिस्प्ले में आते हैं, 16 इंच, इसके अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लैपटॉप के अंदर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो कि आप ई स्पोर्ट्स गेम अगर वैलोरेंट टाइप के या फिर CS:GO खेलना चाहते हैं तो खेल पाएंगे बढ़िया तरह से। डिस्प्ले भी इनके अंदर काफ़ी ब्राइट होती है, 300 निट्स की डिस्प्ले मिलती है। एंड i5-12500H जो कि H सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर है, जिसकी TDP भी जो है अच्छी ही होगी। और इसके अंदर 16GB रैम पहले से मिल रही है, 512GB SSD मिल रही है, RTX 2050 मिल रहा है, 50Wh की बैटरी मिल रही है, ऑफिस मिल रहा है, कूल सिल्वर कलर है। ओवरऑल डील जो है वो काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में आप इस लैपटॉप को चूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी सेटिस्फाई रह सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको 13th generation बताया था वो नहीं लेना है आपको, वो कोशिश करिएगा ना लें, आप इसको ले सकते हैं। ये जो है काफ़ी बेहतरीन प्रॉमिसिंग डील है, आपको ग्राफिक्स पावर भी इसके अंदर तगड़ी मिल रही है। मैं तो जो है लैपटॉप सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं तो जो है हर तरह के यूज़र के लिए जो है टारगेट कर रहा हूं, प्लस मैं वैरायटी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। और हर एक लैपटॉप जो है अलग अलग तरह के डिस्काउंट पर मिलता है, कोई लैपटॉप ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलता है, कोई थोड़े कम पे मिलता है, तो कार्ड डिस्काउंट भी SBI वाले सब पे सेम नहीं होते हैं, तो वो आप जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली एक वैरायटी क्रिएट करके दे रहा हूँ। ये लैपटॉप पड़ कितने का जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लैपटॉप आपको जो है पड़ जाएगा आपका 50,240 रुपये में, और उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी डील है। जो भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ सबके बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर अगेन मैंने जो लैपटॉप चूज़ किया है ये है वीवो बुक का अगेन 16X, बट इसके अंदर कुछ और ज़्यादा खासियत है। वो क्या मिलती है आपको, देखिए 144Hz डिस्प्ले मिल रही है, 300 निट्स वाली डिस्प्ले मिल रही है, i5-12500H मिल रहा है जो कि S सीरीज़ का अच्छी TDP वाला प्रोसेसर है। क्रिएटर सीरीज़ का ये लैपटॉप है, तो आपको जो है 4K वीडियो एडिट करने हैं या फिर 4K वाला भी कंटेंट अगर आपको इस पे एडिट करना है तो वो भी आपको करवा के दे देगा। एंड ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कैजुअल टाइप का ही। अगर आपको बहुत ही हैवी जाना है, आपको हैवी रेंडरिंग करनी है, तब तो आप जो है डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप ही परचेज कीजिएगा। बट अगर आपको जो है थोड़ा सा ऐसा लैपटॉप लेना है जो लेके ट्रैवल भी करना हो, एडिटिंग भी करना चाहते हैं, और भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है क्रिएटर सीरीज़ के लैपटॉप काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड RTX 3050 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा ताकतवर ग्राफिक कार्ड मैं बोलूँगा क्रिएटर लैपटॉप के हिसाब से। 512GB SSD है, ऑफिस होम मिल रहा है, 50Wh की बैटरी है। ओवरऑल ये एक काफ़ी बढ़िया डील रहेगी अगर आप इस डील के साथ में जाओगे। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट मिलेगी एंड WXGA डिस्प्ले है, और 144Hz का रिफ्रेश रेट भी है, तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी बेहतरीन डील है। गेमिंग लैपटॉप का एक अल्टरनेटिव आप इसे मान सकते हो। गेमिंग करने के लिए नहीं होते हैं ये लैपटॉप, ये क्रिएटिव वर्क करने के लिए होते हैं। अगर आपको CAD सॉफ्टवेयर चलाना है या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, तो वो आप इन लैपटॉप से बढ़िया तरह से कर सकते हो। पर कितने का जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है SBI क्रेडिट कार्ड पे आपको जो है 54,490 रुपये में मिल जाएगा, फिर उस हिसाब से तो बढ़िया डिस्काउंट है, बढ़िया लैपटॉप है। अगेन मैंने क्रिएटर सीरीज़ का ही एक लैपटॉप चूज़ किया है, ये है ASUS का क्रिएटर राइजन 5 वाला लैपटॉप, और ये प्रो 15 OLED पैनल के साथ में आता है लैपटॉप। और ये जो है राइजन 5 5600H प्रोसेसर के साथ में है, जानदार अच्छा प्रोसेसर है, नो डाउट। RTX 3050 इसके अंदर मिलता है, 4GB की VRAM है, 16GB पहले से मिलती है, 512GB SSD है, 15:6 डिस्प्ले है, फुल HD OLED पैनल है। फिर नेक्स्ट लैपटॉप मैंने सेलेक्ट किया है ये है IdeaPad Slim 5। 16 इंच का ये लैपटॉप है एंड ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के साथ आता है। अभी देखिए ये जितने भी कोर अल्ट्रा वाले प्रोसेसर हैं ना, ये सारे महंगे चल रहे हैं, और इतना आप समझ के रखिए कि इतना ज़्यादा AI का आप ऐसा क्या ही काम कर लेंगे लैपटॉप्स के अंदर। अभी तो जो है थोड़े से महंगे हैं ये वाले लैपटॉप, बट कोई कोई लैपटॉप है जो अच्छी डील पे है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये वाला लैपटॉप है, ये आपको जो है कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर के साथ मिलता है, 125H प्रोसेसर है इसके अंदर, AI वाले काम संभालने के लिए, 16 इंच का इसका डिस्प्ले है, WXGA IPS 300 निट्स एंड 16GB रैम है इसके अंदर, 512GB SSD है, 100% sRGB है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, 1 साल की एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन के साथ आता है ये लैपटॉप। रैम जो है इसके अंदर 16GB LPDDR5X रैम है, 7000 प्लस इसकी जो है स्पीड है, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पीड है। डिस्प्ले जो है इसके अंदर 100% sRGB डिस्प्ले है, कलर गैमेट बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल ये लैपटॉप जो है एक काफ़ी
अच्छी डील मैं बोल सकता हूँ अगर आपको जो है थोड़ा सा AI वाला लैपटॉप टाइप का चाहिए। 57 वाट आवर की बैटरी है, फास्ट चार्ज ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, इंटेल आर्क इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, 11 टॉप्स का इसके अंदर NPU दिया गया है। ये सारी चीजें इस लैपटॉप को एक अच्छा लैपटॉप बना देती हैं। ये जो है SBI कार्ड पे मैं आपको बताता हूँ कितने का पड़ जाएगा। देखिए 66,240 रुपए में ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से ये जो है अच्छी डील है। फिर नेक्स्ट लैपटॉप मैंने बड़ा फेमस लैपटॉप चूज किया है, इसे बहुत पसंद किया जाता है। इस लैपटॉप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस पे आपका दिल आके रुक सकता है। ये है एसर का स्विफ्ट गो 14, बिल्ट इन AI PC लिखा हुआ है, मतलब बिल्ट इन AI क्या, प्रोसेसर जो है AI को सपोर्ट करता है, इसलिए AI लैपटॉप है ये। अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है, 14 इंच वाला जो है कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। WXGA डिस्प्ले दी गई है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, इंटेल आर्क ग्राफिक है इसके अंदर, 1440p कैमरा इसके अंदर दिया हुआ है, विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडेड है, प्योर सिल्वर कलर है। लुक वाइज तो ये बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये जो अपना 125H प्रोसेसर है, ये 14 कोर 18 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, एंड इसके अंदर NPU भी मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है AI वाले वर्कलोड्स को संभाल पाता है अच्छी तरीके से। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको टाइप सी चार्जिंग वगैरह भी मिल जाती है 100 वॉट तक की, और थंडरबोल्ट 4 वगैरह भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम हो जाता है। और देखते हैं डिटेल में क्या क्या है इसके अंदर। देखिए एसर का AI जोन इसके अंदर आपको मिलता है, विंडोज 11 तो है ही, 16 GB रैम इसके अंदर मिल रही है, 100% DCI-P3 वाला ये लैपटॉप है, एंड वाईफाई 7 इसके अंदर आपको मिलता है, किलर वाईफाई 7, अप टू 13 घंटे तक की बैटरी लाइफ ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मान के चलो 7-8 घंटे तो दे ही देगा। डेडिकेटेड माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की इसके अंदर आपको मिलती है, 60Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर दिया गया है, 400 nits की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है, 65W जो है चार्जर है इसका, डिस्प्ले जो है वीजा सर्टिफाइड है, तो कलर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। साउंड वगैरह के ऑप्शन भी आपको अच्छे मिलेंगे, ट्विन एयर कूलिंग भी इसके अंदर आपको मिलती है, तो मतलब थर्मल्स भी अच्छे हैं इस लैपटॉप के, थर्मल्स की भी टेंशन नहीं लेनी है। ओवरऑल एक बढ़िया लैपटॉप, कॉम्पैक्ट टाइप का लैपटॉप, फास्ट पावरफुल लैपटॉप, छोटा लैपटॉप आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। कॉन्टेंट क्रिएशन वाले आपके काम ये भी लैपटॉप संभाल लेगा, और जो भी जितने भी काम मैंने बताए हैं वो सारे काम भी ये लैपटॉप संभाल लेगा। आप देखिए ये तो सब्जेक्टिव काम है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको कितना हैवी जाना है, उस हिसाब से लैपटॉप चूज़ करना चाहिए। वैसे इस लैपटॉप का प्राइस करीब 80-85 हज़ार रुपये चलता रहता है, बट अभी ये लैपटॉप आपको जो है 70,000 रुपये में तो दिख रहा है, और इसके बाद अभी और डिस्काउंट आपको मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है लैपटॉप आपका SBI क्रेडिट कार्ड पे, बहुत तगड़ा डिस्काउंट नहीं है इस पे, वैसे तो MRP ही इतना कम हो गया है, और फिर उसके हिसाब से भी इसके अंदर आपको मतलब 67,240 रुपये में ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। ये भी लैपटॉप मैंने क्रिएटर्स के लिए ही सेलेक्ट किया है, ये है VivoBook 16X क्रिएटर सीरीज़ का लैपटॉप है, i5-12450H प्रोसेसर, एंड इसके अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है 120Hz, एंड 16 GB रैम, 512 GB SSD, RTX 4050, 70W की बैटरी। ओवरऑल ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है, फिंगरप्रिंट वगैरह भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, प्राइवेसी शटर वगैरह भी दिया गया है, 16 GB रैम पहले से मिल रही है, 3200 MHz मेटल लिड इसके अंदर आपको मिलती है, तो लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम होगा, और क्रिएटर सीरीज़ के लैपटॉप वैसे भी बहुत प्रीमियम लगते हैं देखने में। गेमिंग करने के लिए नहीं बने होते हैं ये लैपटॉप, क्रिएटिव वर्क करने के लिए बने होते हैं ये लैपटॉप, तो उसी हिसाब से आपको इन्हें परचेज भी करना चाहिए। डिस्प्ले जो है कोई आपको OLED वगैरह या फिर जो है 100% sRGB वाली डिस्प्ले इसके अंदर नहीं है, 45% NTSC वाला ही पैनल है इसके अंदर, बट जो है जो वर्कलोड है वो अच्छा संभाल लेगा आपका, 4050 है, 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, तो ये एक बढ़िया बात है। गेमिंग करने के लिए नहीं होते हैं, हालांकि e-sport गेम वगैरह तो इनके अंदर आप खेल सकते हो, क्योंकि 120Hz का डिस्प्ले है, 100 sRGB डिस्प्ले आपको मैटर करती है तो आप मत लेना, लेकिन अगर आपको पावरफुल हार्डवेयर चाहिए तो आप इस लैपटॉप को चूज़ कर सकते हैं। ये कितने का पड़ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है SBI क्रेडिट कार्ड में आपको 68,240 रुपये का मिल जाएगा, बढ़िया लैपटॉप है। ये लैपटॉप हमारी लिस्ट का आखिरी लैपटॉप है, आखिरी रास्ता आखिरी लैपटॉप, ये लैपटॉप हमारी लिस्ट का आखिरी लैपटॉप है, ये भी बढ़िया लैपटॉप है, VivoBook 16X, 16 इंच का डिस्प्ले, FHD प्लस, 144Hz रिफ्रेश रेट, 300 nits ब्राइटनेस, एंड i5-12500H प्रोसेसर के साथ आता है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD, RTX 4050, विंडोज 11, ऑफिस होम, एंड 70W की बैटरी। ओवरऑल ये एक बढ़िया डील है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, एंड अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ग्राफिक कार्ड अच्छा है इसके अंदर, आपको प्रोसेसर H सीरीज़ का अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव चीज़ है कि आपको कौन सा वाला लैपटॉप लेना है, कौन सा चूज़ करना है,
आपको एग्जैक्टली कौन सा वाला लैपटॉप आपको चूज़ करना है, किस वेरिएंट वाला, ये आप डिसाइड करो अपने हिसाब से, जो आपको ज़्यादा सूट करे वो आप लैपटॉप लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे ही लैपटॉप अच्छे हैं जो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। और हाँ, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है वो समझने की ना भूल मत कर लेना, क्योंकि गेमिंग खेलने के लिए नहीं बने होते लैपटॉप, ये क्रिएटिव वर्कलोड संभालने के लिए बने होते हैं, थिन एंड लाइट टाइप के लैपटॉप होते हैं। बैटरी बैकअप वगैरह भी इनके अंदर आपको गेमिंग लैपटॉप से ज़्यादा ही मिलता है। अब ये एग्जैक्टली सब्जेक्टिव पार्ट है कि आप कैसे लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बैटरी बैकअप निकाल के देंगे, तो ये भी एक बेहतरीन डील है। ये पढ़ कितने का जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपको जो है SBI क्रेडिट कार्ड पे ये आपको 72,240 रुपये में मिल जाएगा कम से कम में। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी रिकमेंडेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे कि सबकी हेल्प हो पाए, सबको जो भी लैपटॉप चूज़ करना है वो अच्छे से चूज़ कर पाएँ। अच्छा लगा है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। कमेंट करिए अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है। प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, सेल का टाइम है, 2,000-4,000 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्टिल 2,000-4,000 रुपये में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बट फिर भी आप जो है इस बात को ध्यान में रखना कि प्राइस फ्लक्चुएशन को हम नहीं कर सकते कुछ भी। हमने जब लैपटॉप चूज़ किया तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप निकाला उस प्राइस रेंज के हिसाब से। उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन अगर आगे पीछे हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप चूज़ करे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई करने का, सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मैं वीडियोज़ जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ।